हेलो एवरीबॉडी, मैं परवेज शाहिद, मैं आप सबके साथ एक नया वीडियो शेयर करने जा रहा हूं। वो है इंग्लिश स्पीकिंग। इंग्लिश स्पीकिंग पर मैं पहला वीडियो बनाने जा रहा हूं आप सबके सामने में, और मैं इंग्लिश को बहुत ही आसान करके बताने जा रहा हूं। और अगर आप नियमित अगर हमारे इस वीडियो को देखा करेंगे, इसके बाद अगले और उसके बाद अगले इस तरह से अगर देखा करेंगे, तो आपको बहुत ही ज़्यादा फायदा होगा और इंग्लिश आप सीख पाएंगे, और विश्वास कीजिए आप अंग्रेजी फराटेदार बोल पाएंगे। तो मैं इस वीडियो में प्रयास करता हूं कि मैं खुद ज़्यादा से ज़्यादा अंग्रेजी ना बोलूं, लेकिन मैं ऐसा प्रयास करूं कि आप सब अंग्रेजी बोल सकें। तो आपको ज़्यादा कुछ नहीं करना है, मैंने इस बोर्ड पर जो कुछ लिखा हुआ है उसको आप देखते रहें और मैं इसको समझाने जा रहा हूं, और इसका अभ्यास करते रहेंगे और आपका इंग्लिश धीरे धीरे ठीक होता चला जाएगा। आपको पता भी नहीं चलेगा कि आप अंग्रेजी कैसे सीख गए, कितना सीख गए, आपको अंदाज़ा नहीं होगा, लेकिन आप बोलते चले जाएंगे। मैं तो पहले जो बताने जा रहा हूँ वो है आज सेंटेंस पर बताने जा रहा हूँ। सेंटेंस पर मैंने देखा, आपने देखा है कि दो तरफ मैंने लिख रखा है, पहले एक तरफ आई वी यू दे बॉयज स्टूडेंट्स, मैं सब ये लिख रखा हूँ, और दूसरी तरफ मैंने लिख रखा है प्ले सिंग रीड राइट गो कम सी, ये सब मैंने लिख रखा है। ये प्लूरल फॉर्म वाले और ये प्लूरल जो वर्ब जिनके साथ लगता है मैं उनको मैं कवर कर रहा हूँ। आज मैं सिंपल प्रेजेंट टेंस, जो प्रेजेंट टेंस का जो पहला फॉर्म होता है, मैं उस पर आधारित मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ। उसके बाद नीचे आपने देखा होगा कि ये सिंगुलर फॉर्म वाले जो हैं, जो सब्जेक्ट्स बनते हैं, उनके साथ कैसा कैसे वर्ब लगते हैं, मैं उनको आपके सामने रखने जा रहा हूँ। तो मैं जो बोलूँगा उसको आप ध्यान से देखेंगे, सुनेंगे और उसका अभ्यास करने की का प्रयास करेंगे। आप वीडियो को आगे और पीछे करके अगर आप बार बार देखेंगे तो आपको अभ्यास हो जाएगा, आप उसको बोलने का प्रयास करेंगे हो जाएगा। तो सबसे पहले मैं जो शुरू करने जा रहा हूँ वो है पहला जो सब्जेक्ट है जो मैंने लिया, वो प्रोनाउन से लिया है। यहाँ से लेकर यहाँ तक प्रोनाउन का लिया है मैंने, उसके बाद यहाँ से लेकर नाउन का है, फिर यहाँ से लेकर यहाँ तक सिंगुलर प्रोनाउन का है, उसके बाद यहाँ से फिर नाउन का सब्जेक्ट लिया है। तो प्लूरल की तरह जो प्रयोग होने वाले जो सब्जेक्ट जो सब्जेक्ट हैं उनके साथ जो वर्ब लगता है वो मैं दे रहा हूँ आपके सामने। आई, अगर मैं बोलूँ कि आई के साथ मैं लगाना चाहता हूँ प्ले, आई के साथ मैं लगाना चाहता हूँ प्ले। आई प्ले मतलब मैं खेलता हूँ, आई प्ले मतलब मैं खेलता हूँ। सिंपल प्रेजेंट टेंस की हिंदी में पहचान क्या है कि हिंदी वाक्य के क्रिया के अंत में ता है, ती है, ते हो, ते हैं लगा रहता है। ये सिंपल प्रेजेंट टेंस की का पहचान है, हिंदी वाक्य के क्रिया के अंत में ता है, ती है, ते हो और ते हैं लगा रहता है। तो यहाँ पर आई के साथ प्ले ना कि प्लेज लगेगा, और आई के साथ एम प्लेइंग नहीं लगाएंगे। क्यों नहीं लगाएंगे? क्योंकि ये सिंपल प्रेजेंट टेंस है, इसका हिंदी में जो मीनिंग बनता है ता है, ती है, ते हो, मतलब मैं खेलता हूँ। आई प्ले अगर कहें तो मैं खेलता हूँ। आप लोग अभ्यास करें इसके साथ, आई प्ले मैं खेलता हूँ, आई प्ले। उसके बाद अगर हम आई के साथ अगला वर्ब ले लेंगे आई सिंग, मैं गाता हूँ, आई सिंग, आई सिंग मतलब मैं गाता हूँ। लड़की बोलेगी तो मैं गाती हूँ। आई के साथ अगर हम अगला वर्ब ले लेंगे रीड, आई रीड मैं पढ़ता हूँ। लड़की बोलेगी तो पढ़ती हूँ, आई रीड मैं पढ़ता हूँ या पढ़ती हूँ। अगला है आई के साथ अगला वर्ब ले लेंगे राइट, आई राइट मैं लिखता हूँ या मैं लिखती हूँ। आई राइट, आई राइट मतलब मैं लिखता हूँ या मैं लिखती हूँ। आगे है आई के साथ गो, आई गो मतलब मैं जाता हूँ या मैं जाती हूँ। आई गो, आई गो। उसके साथ आगे है आई कम, आई कम मतलब मैं आता हूँ मैं या मैं आती हूँ। आई कम, आई कम। आई सी, आई सी मतलब मैं देखता हूँ या मैं देखती हूँ। और ऐसे भी आई सी तो अच्छा है, ऐसा भी इसका मीनिंग आता है, ओ अच्छा है तो ऐसा है, ऐसा भी मीनिंग होता है। आई सी मतलब तो ऐसा है, ऐसा भी मीनिंग होता है, और आई सी मतलब मैं देखता हूँ, मैं देखती हूँ, ऐसा भी मीनिंग होता है। इसी तरह से हम आई पर लेकर के मैंने इतने वर्ब के साथ लगाए आई को, इसी तरह और भी वर्ब बहुत सारे वर्ब एक एक को 10-10 15-15 20-20 में हम लगाते चलेंगे। जैसे आई के साथ आई डांस मैं नाचता हूँ, आई यूज मैं प्रयोग करता हूँ, आई डिनाई मैं इनकार करता हूँ, आई डिसओबे मैं अवमानना करता हूँ, आई ओबे मैं मानता हूँ, आज्ञा पालन करता हूँ, आई विथड्रॉ मैं वापस करता हूँ, आई सपोर्ट मैं
समर्थन करता हूँ, इसी तरह से अगर हम आई के साथ लगाते चले जाएंगे तो मेरा सेंटेंस बनता चला जाएगा। और आप देखेंगे इस क्रम में हम आगे चलेंगे, पूरे टेंस को कवर करेंगे, और जब टेंस पूरा कवर कर चुके होंगे तो आपको खुद लगेगा कि मैं इंग्लिश कुछ कुछ जान गया हूँ। और इसमें मैं अभी तो एफर्मेटिव सेंटेंस को लेकर चल रहा हूँ, फिर मैं इसको निगेटिव पर लाऊँगा। अभी हाँ वाले वाक्य हैं जिसमें हम स्वीकारते हैं, स्वीकार स्वीकारात्मक वाक्य है। इसके बाद मैं नकारात्मक वाक्य लाऊंगा जिसमें हम नकारेंगे किसी बात को। जैसे मैं आई प्ले, मैं खेलता हूँ, तो उसका हो जाएगा आई डू नॉट प्ले, मैं नहीं खेलता हूँ। आई डू नॉट सिंग, मैं नहीं गाता हूँ। आई डू नॉट रीड, मैं नहीं पढ़ता हूँ। आई डू नॉट राइट, मैं नहीं लिखता हूँ। आई डू नॉट गो, मैं नहीं जाता हूँ। आई डू नॉट कम, मैं नहीं आता हूँ। आई डू नॉट सी, मैं नहीं देखता हूँ। ऐसा कुछ बनेगा, वो निगेटिव सेंटेंस में चलेंगे। अभी हम एफर्मेटिव यानी स्वीकारात्मक वाक्य, जिसको पॉजिटिव सेंटेंस भी कहते हैं, एफर्मेटिव को पॉजिटिव सेंटेंस भी कहते हैं। एफर्म का मतलब स्वीकारना, तो एक तरह से पॉजिटिव सेंटेंस होता है, इसलिए पॉजिटिव सेंटेंस भी कहा जाता है। तो मैं अगला वर्ड ले रहा हूँ, अगला प्रोनाउन है वो वी। वी के साथ अब हम इन सबको सिक्वेंस में लेंगे। वी के साथ वी प्ले, हम सब खेलते हैं या हम लोग खेलते हैं। वी सिंग, हम लोग गाते हैं। वी सिंग, हम लोग गाते हैं। वी रीड, हम लोग पढ़ते हैं। वी रीड, हम लोग पढ़ते हैं। वी राइट, हम लोग लिखते हैं। वी राइट, हम लोग लिखते हैं। वी गो, हम लोग जाते हैं। वी गो। वी कम, हम लोग आते हैं। हम लोग आते हैं। वी कम। वी सी, हम लोग देखते हैं। वी सी, हम लोग देखते हैं। अब हम फिर इसी तरह से रिपीट करेंगे यू पर। अगला जो प्रोनाउन है वो है यू। यू को हम रिपीट करेंगे यहाँ से। यू के साथ हम अगला जो वर्ब है वो लगाएंगे। यू प्ले, तुम खेलते हो या आप लोग खेलते हैं। तुम खेलते हो या आप लोग खेलते हैं। यू का दो तीन मीनिंग होता है। यू मतलब तुम या आप सिंगुलर में, यू मतलब तुम लोग या आप लोग प्लूरल में। तो आप जैसा मीनिंग लेंगे उसके हिसाब से बनेगा। यू सिंग, तुम गाते हो या आप लोग गाते हैं। यू रीड, तुम पढ़ते हो या आप लोग पढ़ते हैं। यू राइट, तुम लिखते हो या आप लोग लिखते हैं। यू गो, तुम जाते हो या आप लोग जाते हैं। यू कम, तुम आते हो या तुम लोग आते हो या आप आते हैं। यू कम, यू सी, यू सी, तुम देखते हो या आप लोग देखते हैं। तो इस तरह से आगे नाउन को हमने, प्रोनाउन को हमने कवर कर लिया। आगे हम नाउन को लेते हैं जो सब्जेक्ट के रूप में आया है, बॉयज, स्टूडेंट्स। बहुत सारे नाउन हो सकते हैं, अभी मैंने उदाहरण के लिए दो लिया है। बॉयज, बॉयज प्ले, जब ये प्लूरल सब्जेक्ट होगा तो वर्ब भी प्लूरल होगा, वी वन होगा। बॉयज प्ले, बॉयज जब सब्जेक्ट प्लूरल रहे तो प्लूरल वर्ब लगाएंगे। प्लूरल मेन वर्ब में एस एस नहीं लगता है, जब मेन वर्ब में एस एस लग जाता है तो वो वी फाइव यानी वर्ब का पांचवा रूप यानी सिंगुलर हो जाता है। तो यहाँ बॉयज नाउन के साथ और वर्ब के साथ थोड़ा उल्टा है कि नाउन के साथ अगर मेन वर्ब नाउन के साथ जब लास्ट में एस लग जाता है या एस लगता है तो वो प्लूरल हो जाता है, जबकि वर्ब के साथ उल्टा मामला है। वर्ब के साथ जब लास्ट में मेन वर्ब में एस एस लग जाता है तो वो सिंगुलर हो जाता है, पहले से वो ओरिजिनल फॉर्म में वो प्लूरल में रहता है। जैसे यहाँ ये सब का सब प्लूरल फॉर्म है, और यह जो आगे दिख रहा है आप सबको ये सब का सब सिंगुलर फॉर्म है, जिसके साथ एस या एस लास्ट पे लगा हुआ है, ये सब सिंगुलर फॉर्म है। और जो बिना एस एस के आया है, जो ओरिजिनल फॉर्म में है, मेन फॉर्म में है, जो पहले से जो ओरिजिनल फॉर्म उसमें है, तो वर्ब का ये पहला रूप है। तो इधर जो हम देख रहे हैं कि सब्जेक्ट अगर प्लूरल है या जो वर्ब प्लूरल की तरह यूज होता है उसके साथ प्लूरल वर्ब लगेगा, प्लूरल सब्जेक्ट के साथ प्लूरल वर्ब। और जो सिंगुलर सब्जेक्ट है, चाहे प्रोनाउन हो या नाउन हो, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ सिंगुलर वर्ब लगेगा। तो हम आते हैं यहाँ प्लूरल नाउन पे। बॉयज प्ले, लड़के खेलते हैं। बॉयज प्ले, बॉयज प्ले, लड़के खेलते हैं। बॉयज सिंग, लड़के गाते हैं। बॉयज सिंग। बॉयज रीड, लड़के पढ़ते हैं। बॉयज रीड, बॉयज रीड। बॉयज राइट, लड़के लिखते हैं। बॉयज राइट। बॉयज गो, लड़के जाते हैं। बॉयज गो। बॉयज कम, लड़के आते हैं। बॉयज कम, लड़के आते हैं। बॉयज
सी लड़के देखते हैं, बॉयज सी। इसी तरह अगला स्टूडेंट्स, स्टूडेंट्स प्ले, विद्यार्थीगण खेलते हैं, स्टूडेंट्स सिंग, विद्यार्थीगण गाते हैं, स्टूडेंट्स रीड, विद्यार्थीगण पढ़ते हैं, स्टूडेंट्स राइट, विद्यार्थीगण लिखते हैं, स्टूडेंट्स गो, विद्यार्थीगण जाते हैं, स्टूडेंट्स कम, विद्यार्थीगण आते हैं, स्टूडेंट्स सी, विद्यार्थीगण देखते हैं। इस प्रकार से आगे, अब यहाँ आगे हम लोग सिंगुलर पे आते हैं, जो सब्जेक्ट सिंगुलर होते हैं उन पर हम आते हैं। ही, ये थर्ड पर्सन सिंगुलर वर्ब में, ही सी और इट, ये तीनों थर्ड पर्सन सिंगुलर वर्ब, इसके साथ मेन वर्ब में एस ए एस लगेगा। ही रीड्स, वह पढ़ता है, ही रीड्स, आई फिर से मैं बोल रहा हूँ, ही रीड्स, वह पढ़ता है, ही रीड्स। शी राइट्स, वह लिखती है, नहीं सॉरी, मैं फिर से यहाँ से, ही रीड्स, वह पढ़ता है, ही राइट्स, वह लिखता है, ही राइट्स, वह लिखता है, ही प्लेज, वह खेलता है, ही प्लेज, ही प्लेज, वह खेलता है, ही कम्स, वह आता है, ही कम्स, वह आता है, ही गोज, वो जाता है, ही गोज, वो जाता है, ही गोज, वो जाता है, ही सिंग्स, वो गाता है, ही सिंग्स, वो गाता है, ही ईट्स, वो खाता है। अब अगला है शी, सी के साथ हम यूज़ करेंगे मेन वर्ब, जो वी फाइव फॉर्म में है उसको यूज़ करेंगे, जो सिंगुलर फॉर्म में वर्ब है उसको यूज़ करेंगे, क्योंकि ये सब्जेक्ट सिंगुलर में है। तो शी रीड्स, वो पढ़ती है, शी राइट्स, वो लिखती है, शी प्लेज, वो खेलती है, इट कम्स, वो आती है, शी कम्स, वो आती है, शी गोज, वो जाती है, शी सिंग्स, वो गाती है, शी ईट्स, वो खाती है। अब आगे इट से हम अभ्यास करेंगे, इट रीड्स, ऐसा पढ़ा जाता है, असल में जो इंग्लिश में मीनिंग बनता है ऐसा पढ़ा जाता है, ऐसा लिखा हुआ ऐसा मीनिंग बनता है, लेकिन अभी हम इसको हल्के में लेकर के चलते हैं, इट रीड्स, यह पढ़ता है। इट निर्जीव वस्तु के लिए लगता है, तो निर्जीव वस्तु या छोटे छोटे कीड़े मकोड़े या छोटे बड़े जानवर, तो उनके लिए लगता है, तो प्रायः हर जगह सुटेबल नहीं होगा, कुछ मीनिंग अलग तरह का भी बन जाएगा, तो इस पर अभी ज़्यादा चिंता ना करेंगे, इस पर आप चूँकि लिखा हुआ है क्रम में मैंने लिखा है, तो इट रीड्स का कहीं पर लिखा हुआ आप देखेंगे तो उसमें लिखा होगा कि ऐसा लिखा हुआ है, इट रीड्स का मतलब वहाँ बन जाएगा ऐसा लिखा हुआ है, ऐसा पढ़ा जा सकता है, ऐसा पढ़ने के लिए है वहाँ पर, वो एक अलग तरह का मीनिंग है, लेकिन यहाँ दूसरे मीनिंग में ले रहे हैं, इट रीड्स, यह पढ़ता है। मान लीजिए कि एक कैट है, कहानियों में दिखाया जाता है कैट पढ़ती है, बिल्ली पढ़ती है, तो वैसा अगर सेंस लेंगे उस सेंस में ले रहे हैं हम अभी, इट रीड्स, यह पढ़ती है, इट राइट्स, यह लिखती है। मान लीजिए कि आप कोई कहानी है, कहानी में छोटे छोटे जानवरों को कुछ ऐसा करते हुए देखते हैं, जैसे ह्यूमन एक्टिविटीज़ होते हैं, जैसे इंसान कोई काम करता है उस तरह का एक्टिविटी करते हुए दिखाया जाता है, उस सेंस में हम ले रहे हैं इसको। इट प्लेज, या खेलता है या खेलती है, इट कम्स, या आता है या आती है, इट गोज, या जाती है या जाता है, इट सिंग्स, या गाती है, इट ईट्स, या खाती है। अगला है ए बॉय, ए बॉय की जगह द बॉय भी कह सकते थे, सिर्फ निश्चित और अनिश्चित की बात हो जाती है, अब बॉय कहने से यह अनिश्चित हो गया, कोई भी लड़का, अब द बॉय कहने से कोई एक निश्चित लड़का, कोई खास लड़का, तो अभी हम ए बॉय कह सकते हैं, कह रहे हैं हम द बॉय की जरूरत पड़ेगी तो कह सकते हैं, हमारे ऊपर है, हमको मालूम है कि वो निश्चित है, तो हम द बॉय यूज़ करेंगे, तो अभी हम अनिश्चित लेके चल रहे हैं, कोई भी लड़का। अ बॉय रीड्स, एक लड़का पढ़ता है, ए बॉय रीड्स, ए बॉय राइट्स, अ बॉय, अ सही प्रोनाउंसिएशन ए का है, अ बॉय राइट्स,
अपवाई राइट्स मतलब एक लड़का, कोई लड़का लिखता है। अपवाई प्लेज लड़का खेलता है। अपवाई कम्स कोई एक लड़का है, कोई लड़का आता है। अपवाई गोज लड़का जाता है। अपवाई सिंग्स कि कोई एक लड़का है जो गाता है। अपवाई ईट्स जो कोई एक लड़का है जो खाता है। आ का मतलब यानी ए का मतलब एक, ऐसा नहीं कहना चाहिए, ये दर्शाता है कि वो अकेला है। ए का मतलब अलग से एक नहीं होता है, ऐसा सोचना नहीं चाहिए कि इसका मतलब एक होता है, ऐसा नहीं सोचना चाहिए। सोचना ये चाहिए ए किसी भी नाउन को, किसी भी संज्ञा को दिखाता है कि वो अकेला है, और ये भी दिखाता है कि वो अनिश्चित है। ठीक है। आ स्टूडेंट रीड्स कोई एक स्टूडेंट है, स्टूडेंट है जो विद्यार्थी जो वो पढ़ता है, विद्यार्थी पढ़ता है। आ स्टूडेंट राइट्स विद्यार्थी लिखता है। आ स्टूडेंट प्लेज विद्यार्थी खेलता है। आ स्टूडेंट कम्स विद्यार्थी आता है। आ स्टूडेंट गोज विद्यार्थी जाता है। आ स्टूडेंट सिंग्स विद्यार्थी गाता है। आ स्टूडेंट ईट्स विद्यार्थी खाता है। ठीक है। अगला है अ मैन, अ मैन, अ मैन कोई आदमी है, कोई भी आदमी। मैन मैन अ मैन रीड्स आदमी पढ़ता है। अ मैन राइट्स आदमी लिखता है। अ मैन प्लेज आदमी खेलता है। अ मैन कम्स एक आदमी आता है। अ मैन गोज आदमी जाता है। अ मैन सिंग्स आदमी गाता है। अ मैन ईट्स आदमी खाता है। तो मैं इतनी बातों को मैंने कहा है, अभ्यास किया है आपके साथ, आप इस बोर्ड पर लिखी हुई बातों को देख रहे हैं, आप इन सब को बार बार बोलने का अभ्यास करेंगे। अगर आप बार बार इसको बोलने का अभ्यास करेंगे, ये तो पहली कड़ी है इस वीडियो स्पीकिंग से जुड़ी, ये पहली वीडियो है, ये पहली कड़ी है, पहला एपिसोड कह सकते हैं, और इसका क्रम आगे आता जाएगा। प्रत्येक दिन मैं प्रयास करूँगा, प्रत्येक दिन एक एक वीडियो आपके लिए डालूँ, और आप इसको अभ्यास करते चलेंगे, और आप इसका अभ्यास करेंगे, आपको इंग्लिश बोलने आ जाएगा। आप वीडियो को रोक करके भी कि पीछे देंगे क्या, देखेंगे क्या लिखा हुआ, फिर उसको बोलने। आप चाहें तो सब्जेक्ट को बदल बदल करके, प्लूरल सब्जेक्ट लेकर के, कोई दूसरे वर्ब को लेकर के भी आप आगे बना सकते हैं। आप चाहेंगे तो कॉपी में इसी क्रम में लेंगे। मैंने अभी सेंटेंस को लंबा नहीं किया, हमने ऑब्जेक्ट नहीं दिया है, और ना ही कंप्लीमेंट दिया, ना कुछ और ऐसा चीज़ दिया अभी। तो ऑब्जेक्टिव कंप्लीमेंट या जो भी चीज़ सेंटेंस का जो एक्सटेंशन होता है वो अभी मैंने नहीं दिया, क्योंकि अभी पहला वीडियो है, ये बड़ा हो जाएगा आपके लिए, थोड़ा सा भारी हो सकता है, नहीं भी हो सकता है। तो मैंने चाहा, प्रयास किया कि आपके लिए आसान हो, तो आप इसको अभ्यास करेंगे, और इसको मैं अगले वीडियो में, मैं इसका अगला जो पार्ट है वो मैं बताने जा रहा हूँ। तो थैंक्स, हैव अ नाइस डे।